दोपहर 12 बजे का टाइम था और मैं वर्क साइट से ना वापस अपने कैंप की तरफ आ रहा था। हमारी जो शिफ्ट थी वो रात 12 बजे से लेके दिन 12 बजे तक चलती थी, और मेरी रूटीन यही थी कि मैं वापसी पे कैंप पे शावर लेने के बाद मेस में जाता, खाना खाता। लेकिन उस रोज़ ना मेस के बाहर जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था। मैंने कहा पता नहीं ये कुछ ज़्यादा लोग आ गए हैं इसलिए मेस में रश है। लेकिन जब मैं मेस के अंदर एंटर होने लगा तो मैंने देखा, महसूस किया कि यार कंपनी ने ना बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया। नोटिस बोर्ड के ऊपर उन सारे लोगों की लिस्ट लगी हुई है जिनको कंपनी ने निकाल दिया। अब खाना हल्क से कैसे नीचे उतरे, मैंने भी देखा यार मेरा नाम तो नहीं है, लेकिन मेरा नाम नहीं था, मेरे बहुत सारे दोस्त कुलीग्स जो काम करते थे कंपनी ने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, भाई आप 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने कंट्री वापस जा सकते हैं। हुआ कुछ इस तरीके से था कि उस टाइम के अंदर ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर प्रोडक्शन कम कर दी गई, सर्विस कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट जो ख़त्म कर दिए गए। अब कंपनीज के पास इतना काम नहीं था तो उन्होंने अल्टीमेटली अपने एम्प्लॉयज़ को कट डाउन कर दिया। शाम के टाइम ना कंपनीज के अंदर जो जितने भी एम्प्लॉयज़ थे हम जैसे, उन सब लोगों ने ना मीटिंग कॉल की, अपने तौर पर मिले और कहा कि जी हम कंपनी के सामने जाते हैं और कंपनी के मैनेजर से बात करते हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन कंपनीज के पास उस टाइम पे दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस जो थी वो सिर्फ हमारी कंपनी नहीं बाकी पूरी दुनिया के अंदर भी ऐसा सुनने में आ रहा था। तो खैर जिन लोगों को निकाल दिया गया वो 15-20 दिन के बाद बोरिया बिस्तर लेके अपने अपने घरों को वापस चले गए। उनसे 1-2 महीने रबता रहा, वो नौकरी तलाश करते रहे, लेकिन हर तरफ ऐसी ही सिचुएशन थी तो कहीं नौकरी नहीं मिली। वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे मुझे सोचने का मौका मिला कि यार ये तो हम ऐसी नौकरी कर रहे हैं जहाँ पे जब इनका दिल किया इन्होंने कहा ना भाई आप घर जा सकते हैं, और ये तो एक माइंड प्रेशर गेम बन जाती है। आप जब घर वापस आते हो तो उल्टा फिर आप मेंटली तौर पे प्रेशराइज हो जाते हो, तो क्या करना चाहिए। वो एक टाइम था नो डाउट के हम वो एम्प्लॉयज़ थे जिनको कंपनी ने रिटेन किया, निकाला नहीं, सैलरी थोड़ी सी कम की। लेकिन उस टाइम से मैंने सोचना शुरू किया कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि कल को ये सिचुएशन हमें नहीं फेस करनी पड़े। तो मुझे उस प्रेशराइज्ड सिचुएशन में मुझे बात समझ आई कि कंपनी के वो कौन से लोग हैं जिनको कंपनी ने कुछ नहीं कहा, जिनकी ना सैलरी कम हुई, जिनको ना निकालने की बात की गई, और हमारी कंपनी में ऐसे लोग कौन हैं, बाकी कंपनीज में कौन कौन है। तो पता चला कि यार ये जो लोग होते हैं ना जिनके पास स्किल्स होते हैं, जो कंपनीज के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं, जो मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, इन लोगों की वर्थ कभी कम नहीं होती। बिकॉज कंपनी की जितनी भी बिजनेस वैल्यू होती है चाहे वो पैसों की शक्ल में हो, वो ये सब कुछ यही लोग मैनेज करते हैं। तो भाई ये लोग आते कहाँ से हैं। पता चला कि ये हम जैसे लोग होते हैं, टेक्निकल नॉलेज वाले लोग होते हैं, और वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस प्लस कुछ इनको सर्टिफिकेशंस करवाई जाती हैं, और इन सर्टिफिकेशंस के बाद ये उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन को मीट करते हैं, और फिर ये उन कुर्सियों पे जाके बैठ जाते हैं। तो भाई हम कैसे सीखेंगे। तो भाई हमें अगर अपने आप को इस कैरियर पाथ पे लेके चलना है तो कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं चाहिए। अगर कंपनी आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाई अभी तक तो आप अपने तौर पे क्यों ना ये स्किल सीखें। तो मैंने क्या किया कि जब मैं पाकिस्तान वापस आया अपनी छुट्टी पे, तो मैंने पाकिस्तान आके इस चीज़ को एक्सप्लोर किया, कुछ सीनियर से मिला और समझना शुरू किया कि इन स्किल्स को मैं कैसे सीख सकता हूँ। एक नेटवर्क डेवलप किया लिंक्डइन के ऊपर, उसी फील्ड के अंदर काम करने वाले लोगों के साथ सलाम दुआ बढ़ाई, उन्होंने गाइड किया, तो मैंने इस पूरे स्किल सेट को सीखा। अपनी कंपनी को जाके मैंने थोड़ा बहुत काम करके भी दिया, देवर सरप्राइज्ड, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की। बट एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर जो ऑलरेडी लोग उन कुर्सियों पे बैठे होते हैं ना, वो इस चीज को ना रिजिस्ट करते हैं कि भाई ये बच्चा ये सीख कर आ गया कल को हमारी। तो मैंने फिर बाहर कंपनीज के अंदर अप्लाई करना शुरू किया, 2-3 इंटरव्यूज भी हुए। उन इंटरव्यूज के अंदर जो चीजें मुझे पूछी गई, मुझे वो लेसन लर्न के तौर पर मैंने इनको एक रेफरेंस के तौर पर समझा, उससे और सीखा। फिर 1-2 कंपनीज के अंदर इंटरव्यू हुआ, मुझे नौकरी मिल गई, एंड आई वॉज ए फिट इन टू मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे आके मैंने ये फील किया कि यार जो लोग टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ मैनेजेरियल स्किल्स को सीख कर अपने कैरियर को ग्रो करना चाहते हैं उनको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म कैरियर प्लानिंग है। ये ऐसे नहीं है कि भाई मैं ये सीख लिया तो इस काम के अंदर ये कर लिया, ये प्रॉपर एक प्लानिंग एंड कंट्रोल का काम है, मैनेजमेंट का काम है। ये कंपनी के कर्ता धर्ता लोग होते हैं, की पोस्ट होती हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, माइंड थोड़ा लगाना पड़ता है, लेकिन ये उसी तरीके से फिर सिक्योर जॉब्स भी होती हैं। ज़्यादा पैसों वाली कंपनीज के अंदर आप जाते हो
तो इस स्किल को अगर तो आप समझते हो कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, आप लीडिंग फ्रंट एंड पे जाके खेलना चाहते हो, कंपनी के उस एक इंपॉर्टेंट की फ्रेमवर्क का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आपको जरूर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख कर अपनी कंपनी के अंदर इस जॉब रोल को टेकअप करना चाहिए। इसको सीखने के लिए जो मैंने फील किया कि चंद एक स्किल्स आपके पास होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन मस्ट बी वेरी फंटेस्टिक, अगर नहीं है तो आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे की जाती है ये कोई बुक आपको एक्सप्लेन नहीं करती, बल्कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ही बताते हैं कि भाई मैनेजमेंट को किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। फिर आपको अपनी इंडस्ट्री के लिहाज से चीज़ों को देखना है, कुछ सॉफ्टवेयर सीखने हैं, तो ये एक कंप्लीट जो स्किल सेट बनता है ये आपको इस कैरियर पाथ के ऊपर लेके जाएगा। अगर आप समझते हो कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हो, आज नहीं है लेकिन अगर कोई सिखाएगा तो फिर तो आप सीख सकते हो, तो फिर आप मेरे आने वाले लाइव वेबिनार का हिस्सा बने, जहां पे आपको अमेजिंग लाइव इंडस्ट्री बेस्ड जो इनसाइट्स हैं प्लानिंग कंट्रोल के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इट वुड बी वेरी अमेजिंग सेशन। क्लिक लिंक गिवन इन द पोस्ट डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइन माय अपकमिंग लाइव ऑनलाइन वेबिनार। थैंक यू वेरी मच।